108 फीट ऊंची मूर्ति के हाथ में 4000 किलो वजनी तलवार, ये है बेंगलुरु के जनक कैंपेगौड़ा। ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक नाथप्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले रामवीर सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांसे और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। जानिए मूर्ति की और खासियत और कैंपेगौड़ा के बारे में। नाथप्रभु कैंपेगौड़ा मूर्ति कितनी भव्य है, इसका अंदाजा इसके हाथ में पकड़ाई तलवार की विशालता को देखकर आसानी से किया जा सकता है। तलवार 35 फीट लंबी और 4000 किलो की है। इसे दिल्ली से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रक मंगवाया गया था। नाथप्रभु कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक शासन किया था। इस दौरान इन्होंने यहां कई ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण कराया। अनुमान है कि नाथप्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति पर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मूर्ति के जरिए मकसद है कैंपेगौड़ा के जीवन और उनकी उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाना है।